जी हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं सिंगर जो बेसिकली होता है वो नारे 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 करके जो गाता है वो क्यों गाता है। म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो वीडियोस को पूरा कंप्लीट देखना है आपको, ताकि आप अच्छे तरीके से सीख सको और समझ सको। तो आज के इस वीडियोस में हम लोग जानने वाले हैं, आपने समझ लिया क्या जानने वाले हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। उनसे पहले मैं आपको सुना देता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो मैं बताना चाहूंगा वो आपको क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं इनको चालू करता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर है उनके, अगर आपको अभी भी नहीं, अभी मैंने सुनाया है आपको, सॉरी अभी मैंने आपको सुनाया है ट्रैक के साथ, राइट। अभी इनका नॉर्मल वोकल्स आप सुनिए किस तरीके से ये नॉर्मली किया हुआ है, ठीक है। मैं जो बताऊंगा वो परफेक्ट आप समझ जाओगे, इसलिए मैं ये सुना रहा हूँ, ठीक है। पहले सुनो आप। आपने सुना ये, और अभी इफेक्ट के साथ भी इनको सुनो आप थोड़ा सा विदाउट ट्रिक। तो आपने अभी सुना, और अगर आप समझ रहे हो कुछ इनसे तो आप कमेंट करके पहले बताना, ठीक है। मैं जो जवाब दे रहा हूँ आप उनसे सहमत हो या नहीं वो भी कमेंट करके बताना। फिलहाल अभी तक मैंने जो इनको दो तीन बार अभी प्ले किया हूँ, एक बार ट्रैक के साथ, एक बार विदाउट ट्रैक, एक बार नॉर्मल, एक बार मतलब, अगर मैंने इनको तीन बार प्ले करा है तो आपने क्या समझा, इनसे कुछ सीखा या नहीं सीखा, एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि हमारी ऑडियंस जो है यूट्यूब, हमारी फैमिली की ऑडियंस जो भी है वो कितना ज़्यादा समझ पा रहा है म्यूज़िक के बारे में, ठीक है। तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना, और आप लोग क्या समझते हो ये भी कमेंट करना। उनके बाद मैं बता रहा हूँ अभी इनसे आप लोग सीखते क्या हो, सॉरी इनसे मतलब ये क्यों बोला जाता है, इसे क्यों गाया जाता है। तो बेसिकली मैं अगर बात करूं पहले, तो आप अपना कमेंट डाल ही दो अभी, और वीडियोस को लाइक कर देना, कमेंट जरूर डालना भाई, क्योंकि मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, क्या समझती है हमारी यूट्यूब की फैमिली और कितने ज़्यादा म्यूजिक को समझ पाती है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं इनके ऊपर, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बेसिकली मैं अगर बात करूं ये इस तरीके से क्यों गाया जाता है, फर्स्ट तो अगर आपने इनको अभी इसके अंदर से कुछ सुना तो आप इनकी फीलिंग्स अगर आप समझ रहे हो तो आप समझ लो कि आप म्यूज़िक को पहचान रहे हो, ठीक है। तो इनको आप, मैं शुरू करता हूँ एक मिनट और, ताकि काफ़ी अच्छे तरीके से पता चल सके आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं सुनाता हूँ, ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा अभी, क्योंकि आपने दो बार सुन लिया है तो आपको भी बोरिंग लगेगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ। तो ये बेसिकली नारे नारे करके अपना फीलिंग्स जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, जो फीलिंग्स होती है सॉन्ग्स के अंदर वो जाहिर कर रहे हैं, और गाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी रियाज करते हैं, इसलिए नारे नारे करते हैं, ठीक है। या फिर इसका आप रिदम बनाने वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से आप करके रिदम भी बना सकते हो। बेसिकली अगर सिंगर्स इसकी प्रैक्टिस करता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलता है, क्यों, क्योंकि इनमें अपनी वो फीलिंग्स इस तरीके से करता है ना, कि उसकी फीलिंग्स सारी इस नारे नारे के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आप ये नारे नारे को अपनी फीलिंग्स के जरिए किसी को बता रहे हो और
परफेक्ट आपको आपका जो फीलिंग्स है वो नारे नारे में आ रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपकी जो वोकल्स होगी, आपकी जो सॉन्ग रिकॉर्ड्स होगी, तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की रिकॉर्ड होगी और आप काफ़ी अच्छे तरीके से उसे गा पाओगे, ठीक है। तो मैं, अगर आपने सुना और समझा कुछ, तो वीडियोस के नीचे कमेंट करो, क्या सीखा, क्या समझा, क्या नहीं समझा, सारा कुछ कमेंट करके डाल दो आज, ताकि मुझे पता चल जाए। फिलहाल एक बार इनको सुनना, और सुनने के बाद आप इनको ध्यान से सुनना, इनके अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा होगा कि ये फीलिंग्स है इसके अंदर, ठीक है, कि ऐसा कुछ परफेक्ट तरीके से आपको इनके अंदर फीलिंग लगता होगा। अगर आप ऐसे रियाज करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। आगे और भी बात करने वाले हैं इनके ऊपर, पहले एक बार इनको सुनना और आप एक बार अभी कमेंट करके बताना कि इनके अंदर फीलिंग्स आ रहा है या नहीं। चलिए इनको मैं प्ले कर देता हूँ। आई होप आपने देखा और सीखा कुछ ना कुछ, आई होप आप कुछ सीखे होंगे और कुछ समझे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। फिलहाल इस वीडियो पे आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकेगा तो मैं इनके ऊपर आपको एक रिदम बनाने वक्त इनको समझा दूंगा काफ़ी परफेक्ट तरीके से रिदम के ऊपर भी। फिलहाल के लिए इस वीडियोस में इतना ही। सिंगर के लिए क्या था, आपने सीखा कि सिंगर के लिए फिर सिर्फ इसको अगर आप रियाज करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। फिलहाल के इस वीडियोस में इतना ही, देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इसमें सेलेक्ट कर लेना ऑल नोटिफिकेशन। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय।